आज टाइम को लेकर भारतीय चिंतन के बारे में चर्चा करेंगे। वेस्ट की तरह भारतीय मनुष्यों ने काल अर्थात समय को लेकर अलग से निबंध नहीं लिखे हैं, चर्चाएं नहीं की हैं, बस अलग अलग स्तरों के लिए, अलग अलग देवताओं के लिए, अलग अलग प्रकार की आत्माओं के लिए समय के अलग अलग पैमाने बनाए गए हैं। मनुष्यों के लिए समय जल्दी गुजरता है, पितृ आत्माओं के लिए समय अपेक्षाकृत धीमा गुजरता है, देवताओं के लिए तो यह और भी धीमा हो जाता है, और देवताओं में भी अपनी श्रेणियां हैं जिसमें छोटे देवताओं के लिए यह कुछ जल्दी गुजरता है, जबकि जो उच्च स्तर के देवता हैं उनके लिए यह समय और भी अधिक धीमा होता चला जाता है। और समय के ये अलग अलग पैमाने किसी मनमर्जी का कोई खेल नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट क्रम विन्यास है। समय की इन्हीं गणनाओं के आधार पर हमें समय या काल के विषय में भारतीय अवधारणा का पता लगता है। सामने स्क्रीन पर काल की इस गणना को देखा जा सकता है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिन के बराबर होता है। यहां अलग अलग स्तर की आत्माओं के लिए समय का अलग अलग पैमाना है। पितृ आत्माओं के लिए जो एक वर्ष होता है वह सामान्य मनुष्य के लिए 15 वर्षों के बराबर होता है। जो देवताओं के लिए एक वर्ष होता है वह मनुष्यों के लिए 100 वर्षों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष उनकी आयु के होते हैं। ब्रह्मा जी के 100 जन्म जितने समय में होते हैं वह विष्णु के लिए एक जीवन काल है, और विष्णु के 100 जीवन काल शिव शंकर के एक जीवन काल के बराबर होते हैं। इसमें आप देखते हैं कि सबसे छोटा समय काल मनुष्य का है, फिर पितृ आत्माएं आती हैं, इसी स्तर पर भूत प्रेत आते हैं, या जैसे गांव के आंचलिक देवता भूमिहार होते हैं वो आते हैं, उसके ऊपर देव आत्माएं आती हैं, और देव आत्माओं के लिए भी अलग अलग कोटियां निर्धारित की गई हैं। मनु हैं, इंद्र हैं, जो एक ही स्तर के देवता हैं। उसके बाद ब्रह्मा आते हैं, ब्रह्मा के बाद विष्णु आते हैं, अंत में शिव आते हैं। ये सब अपना अपना जीवन काल पूरा करते हैं, और उसके बाद निरंतर इनके जन्म और पुनर्जन्म होते हैं। यह सिलसिला अनादि और अनंत समय तक चलता रहता है। इस काल विन्यास के आधार पर इंडियन अप्रोच को लेकर कुछ बातें कही जा सकती हैं। पहली तो यह कि यहां समय या काल अनादि और अनंत है, वह सदैव एक सर्कुलर मोशन में उपस्थित रहता है। काल बार बार उसी अवस्था में लौट आता है। पश्चिम के लोगों ने समय को सीधी रेखा में माना था। उनका मानना था कि समय एक रेक्टिलिनियर लाइन में चलता है, जबकि भारत के लोग मानते हैं कि नहीं, यह एक सर्कुलर मोशन में घूमता है। ऐसा लगता है जैसे चेतना की एक हायरार्की हो, एक सोपान क्रम हो। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं काल की गति धीमी होती जाती है। जितने समय में ब्रह्मा का एक ही दिन गुजरता है, मनुष्यों के अरबों अरब खरबों खरब वर्ष गुजर जाते हैं, और जितने समय में ब्रह्मा जी के अरबों अरब खरबों खरब वर्ष गुजरते हैं, उतने समय में शिव शंकर का केवल एक वर्ष गुजरता है। इससे मिलती जुलती बात आइंस्टीन ने भी कही थी, जब उन्होंने कहा था कि रिलेटिविस्टिक स्पीड से चलने पर टाइम डायलेट हो जाता है और वह धीरे धीरे गुजरता है। जब स्पीड बिल्कुल प्रकाश की गति के बराबर हो जाती है तब समय बिल्कुल भी नहीं गुजरता है, अर्थात समय रुक जाता है। आइंस्टीन की वह बात भारतीयों के जैसी तो है, परंतु वह पूरी तरह से भारत वाली बात के बराबर नहीं है। उसकी अपनी अलग सीमाएं हैं, और इनके बीच में कभी कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। और भारतीय अप्रोच में सबसे शीर्ष पर त्रिकालातीत ब्रह्म आते हैं, जो सर्वोच्च ब्रह्म है। ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी नहीं है। ब्रह्मा जी तो एक देवता माने गए हैं, जबकि ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मन है। ब्रह्मन जो निरंतर विस्तारवान है, जो निरंतर बढ़ता रहता है, यह समस्त अस्तित्व का कुल योग है। ब्रह्मन के भीतर ही अनेक ब्रह्मा जी, अनेक विष्णु जी और अनेक शिव जी माने गए हैं।
परंतु वह इस चर्चा का धार्मिक पक्ष है और हम उसे यहां नहीं लेना चाहते हैं। पिछले अंक में हमने वेस्टर्न अप्रोच के बारे में जाना, इस अंक में हमने भारतीय दृष्टिकोण के बारे में जाना और अब हम इसके आधार पर अपनी एक सोच विकसित करने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट दिखाई देता है कि जो चेतना जितनी कुंद है, जितनी कम प्रखर है, उस पर समय का या काल का उतना ही गहरा असर है। जो चेतना जितने निचले स्तर पर है वह उतनी ही जल्दी काल का शिकार बनती है, और जो चेतना जितनी अधिक प्रखर है, जितनी अधिक उज्ज्वलता पा चुकी है, वह काल से उतनी ही कम प्रभावित होती है। मनुष्यों की चेतना, पितरों की चेतना, देवताओं की चेतना और फिर महादेवों की चेतना काल के प्रभाव से उत्तरोत्तर मुक्त होती जाती है। इसलिए भारतीय विचारधारा में परम मुक्ति या मोक्ष की अवधारणा की गई है। उस अवस्था को त्रिकालातीत या टाइम ट्रांसेंडेंट कहा गया है। उस टाइम ट्रांसेंडेंस तक पहुंचने का, त्रिकालातीत अवस्था तक पहुंचने का एक तरीका अध्यात्म सुझाता है, लेकिन अध्यात्म ही एकमात्र तरीका नहीं है, कुछ अन्य तरीके भी हैं। जैसे अष्टावक्र ने किया था, वह सबसे प्रखर गैर आध्यात्मिक तरीका था। अष्टावक्र ने अस्तित्व के मूल स्वरूप को अपनी बुद्धि के प्रयोग से समझा था और वो संभवतः पहले मनीषी थे जिन्होंने अध्यात्म का विरोध किया था। ठीक ठीक वैसे तो नहीं थे, लेकिन लगभग उसी दिशा में प्रयास करने वाले ओशो दूसरे मनीषी थे। जिस भी मार्ग से आप यह जान पाओ कि जीवन और मृत्यु निरंतर चलने वाली क्रियाओं के पर्दा उठने और पर्दा गिरने जैसी क्षणिक बातें हैं, उस ही दिन आप मुक्ति की ओर पहला कदम उठा लेते हैं। पिछले दिनों एलियंस को लेकर एक फर्जी वीडियो सामने आया था, लेकिन उसमें एलियन बनने वाला पात्र एक महत्वपूर्ण बात बोलता है। वह कहता है, डेथ इज ए ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, मृत्यु तो एक मानवीय सोच है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वह पात्र बिल्कुल सही बात कह पाया। यात्रा में जैसे एक बस के बाद दूसरी बस पकड़कर आगे की यात्रा की जाती है, वैसा ही कुछ यह तथाकथित मृत्यु भी करती है। यह बस के बदलने जैसा ही है, आवश्यक है और उपयोगी भी है, यह दोनों है। यहां समझने की बात यह है कि समय या काल चेतना में घटने वाली घटना है। निर्जीव पत्थर के लिए काल का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए समय नहीं गुजरेगा, यह चेतन सत्ताओं के लिए गुजरेगा और वहां उसमें भी अंतर है। जितनी विकसित चेतना होगी, समय उसके लिए उतना ही ठहर कर गुजरेगा। एक सामान्य चेतन मनुष्य के लिए जब तक खरबों खरब बरस गुजर जाते हैं, वहीं अधिक चेतन ब्रह्मा के लिए केवल एक दिन गुजरता है, विष्णु के लिए एक पल ही गुजरता है और परम शिव के लिए तो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई बार ऐसा हुआ है कि पुराणों में या किसी भारतीय शास्त्र में लिखा गया है कि अमुक ऋषि ने हजारों वर्षों तक तपस्या की और उसके बाद उनकी तपस्या सफल हुई। आज के वैज्ञानिक कसौटियों पर हजारों वर्षों तक तपस्या करने की बात, और वह भी किसी मनुष्य के द्वारा, बड़ी काल्पनिक लगती है और गल्प साहित्य का हिस्सा लगती है। इसलिए बहुत सारे लोग उन बातों के ऊपर सहसा विश्वास नहीं करते। परंतु यदि हम भारतीय दर्शन को अब इस नजरिए से देखें कि जैसे जैसे उस व्यक्ति की चेतना ऊपर उठती है, समय का प्रभाव उसके ऊपर कम हो जाता है। सामान्य मनुष्य के लिए जब तक हजारों वर्ष गुजरते हैं, उस मनुष्य के लिए कुछ ही वर्ष गुजरे होंगे। इस प्रकार की गणना जब हम उस व्यक्ति के विषय में देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं किस प्रकार कोई व्यक्ति हजारों वर्षों की तपस्या कर सकता है और कैसे उन हजारों वर्षों के बाद भी वैसी ही युवावस्था में पुनः उपलब्ध हो सकता है। निष्कर्ष यही निकलता है कि समय या काल को जीतने के लिए चेतना का विकास ही एकमात्र रास्ता है। चेतना के विकास के लिए भी अनेक रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता अध्यात्म का है, दूसरा विज्ञानवाद का है, तीसरा आपके बौद्धिक विकासवाद का है। आपको कौन सा रास्ता अधिक रुचता है, इसकी संभावना आपको अपने भीतर
स्वयं तलाशनी होगी। प्रणाम।